हेलो स्टूडेंट, नाइन्थ क्लास साइंस में आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल। लाइफ की फंडामेंटल यूनिट सेल। ऑल लिविंग स्ट्रक्चर्स ऑर्गेनिज्म वी सी अराउंड आर एसेंशियली मेड अप ऑफ न्यूमेरस कंपार्टमेंट्स माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। सभी लिविंग बींग्स ऑर्गेनिज्म बिल्कुल स्मॉल माइक्रोस्कोपिक कंपार्टमेंट्स की बनी होती है, यूनिट्स की बनी होती है। यही माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स जो सभी लिविंग बींग्स को बनाती है, उनकी बॉडी को बनाती है, वो सेल्स होती है। सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बॉडी। किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी की स्ट्रक्चरल और जो फंक्शनल यूनिट है वो सेल्स होती है। दे हैव सर्टेन फीचर्स विच वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। इनमें कुछ फीचर्स है जो ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिज्म में वेराई करते हैं। द सेल्स आर नॉट ओनली द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अवर बॉडी। ये हमारी बॉडी की बिल्डिंग ब्लॉक्स स्ट्रक्चरल यूनिट ही नहीं है, दे आर फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ टू। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स स्ट्रक्चरल यूनिट के साथ साथ हमारी बॉडी की लिविंग बींग्स ऑर्गेनिज्म की बॉडी की फंक्शनल यूनिट भी होती है। ईच लिविंग सेल हैज द कैपेसिटी टू परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शंस that are performed by all living forms such as nutrition, respiration, growth, reproduction. ये cells जो है वो कुछ basic functions को perform करने की capacity रखते हैं। ये basic function जो सभी living beings जो है वो perform करते हैं, nutrition, respiration, growth, reproduction. A cell shows division of labor. सेल्स जो लिविंग बींग्स की स्ट्रक्चरल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है, लिविंग बींग्स की बॉडी की बिल्डिंग ब्लॉक्स है, इनमें डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट होता है। डिवीजन ऑफ लेबर का मीन ये होगा कि सेल्स में कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स, कुछ स्पेशल ऑर्गेनिलीज होंगे जो सेल्स में अपना एक स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। सेल्स के जो डिफर फंक्शंस है वो डिफर ऑर्गेनिलीज परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल सिंथेसिस ऑफ फूड, फूड का सिंथेसिस का जो फंक्शन है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट क्लोरोप्लास्ट करता है। क्लीनिंग वेस्ट सब्सटेंसेस के क्लीनिंग का जो फंक्शन है वो लाइसोसोम्स परफॉर्म करता है। एनर्जी प्रोड्यूस करना माइटोकॉन्ड्रिया परफॉर्म करता है। तो सेल्स के ये जो फंक्शंस है इनको परफॉर्म करने के लिए स्पेशल लिविंग स्ट्रक्चर्स सेल ऑर्गेनिलीज सेल्स में प्रेजेंट होती है। सेल्स के यही लिविंग स्ट्रक्चर सेल ऑर्गेनिलीज अपने स्पेशल फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं सेल्स में। डिवीजन ऑफ लेबर इनकी वजह से प्रेजेंट होता है। तो क्लियर हुआ कि जो भी लिविंग बींग्स है वो सेल्स के बने हैं। सेल्स उनकी बॉडी को बनाने वाली स्ट्रक्चरल यूनिट है और उनके बेसिक फंक्शन को परफॉर्म करने वाली फंक्शनल यूनिट भी है। अभी आता है साइटोलॉजी क्या है, सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी, जिसमें हम किसकी स्टडी करते हैं, सेल्स की स्टडी करते हैं। द स्टडी ऑफ सेल्स इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज टर्म्ड एज सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल्स, सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी। इस चैप्टर में जो हमारे टॉपिक होंगे जिनको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, फर्स्ट होगा डिस्कवरी ऑफ सेल, सेल की डिस्कवरी। सेल के डिस्कवरर कौन है, लिविंग सेल को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया। नेक्स्ट सेल थ्योरी, सेल के बारे में जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन है सेल थ्योरी के फॉर्म में किसने प्रेजेंट किया, सेल थ्योरी के कौन कौन से पॉइंट्स, हम सेल थ्योरी में कौन कौन से पॉइंट्स हैं उसको हम सेल थ्योरी में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म के टाइप,
यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल वाले और मोर देन वन सेल वाले यूनि और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। टाइप्स ऑफ सेल, सेल्स टू टाइप की होगी, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट, सेल में सेल की स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में कितने कॉम्पोनेंट्स है, उनकी क्या स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट, सेल में प्रेजेंट, हमने कहा था सेल में डिवीजन ऑफ लेबर होता है, सेल के जो अलग अलग बेसिक फंक्शंस है वो अलग अलग ऑर्गेनेलीज परफॉर्म करते हैं। तो कौन कौन से ऑर्गेनेलीज सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, कौन से ऑर्गेनेलीज सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं, कौन से ओनली एनिमल सेल में होते हैं, और ऐसे कौन से ऑर्गेनेली है वो बोथ प्लांट और एनिमल सेल में होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर क्या है, उनके फंक्शन क्या है। और नेक्स्ट, सेल डिवीजन, जो भी न्यू सेल्स बनती है वो बॉडी में प्रेजेंट, पहले से प्रेजेंट प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है। जब एक मदर सेल, जब एक सेल डिवाइड होती है तो डॉटर सेल्स को बनाती है। तो माइटोसिस, मियोसिस टाइप का सेल डिवीजन, जिसमें सेल्स अपने नंबर इंक्रीज करती है। तो ये सभी टॉपिक्स जो है वो हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल का डिस्कवरर कौन है? सेल का डिस्कवरर है रॉबर्ट हुक। साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप में प्लांट के कॉर्क की थिन स्लाइस को जब ऑब्जर्व किया तो उसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स उन्हें दिखाई दिए, जिनको उन्होंने सेल्यूला नेम दिया। इसी सेल्यूला से बाद में सेल वर्ड जो है वो डराइव हुआ। तो क्या है ये सेल्यूला, किस तरीके के कंपार्टमेंट्स रॉबर्ट हुक ने अपने सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप में प्लांट की कॉर्क की थिन स्लाइस में ऑब्जर्व किए। जब रॉबर्ट हुक ने प्लांट की कॉर्क मीन्स प्लांट के स्टेम के ऊपर जो बार्क है उसको बिल्कुल पतली पतली स्लाइस में कट किया, कितनी पतली हम कह दें कि हमारे नोटबुक में या बुक में जो पेज है इनसे भी पतली स्लाइस में कॉर्क को कट किया, और सेल्फ मेड सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप में जब ऑब्जर्व किया तो उन्हें इस तरीके की स्ट्रक्चर जो है वो दिखाई दी। इस तरीके की स्ट्रक्चर्स उनको इस कॉर्क की स्लाइस में सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप में दिखी। इन्हीं छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स को रॉबर्ट हुक ने नेम दिया सेलुला। क्या नेम दिया? सेलुला। इसी सेलुला से कौन सा वर्ड डराइव हुआ? सेल वर्ड डराइव। तो एक्चुअल में इस तरीके के छोटे छोटे, सेलुला का मीन्स ही होता है स्मॉल रूम और कंपार्टमेंट्स, तो इस तरीके के छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स रॉबर्ट हुक ने उस कॉर्क की स्लाइस में देखे, उन्हें सेलुला मीन्स सेल नेम दिया। एक्चुअल में ये जो सेलुला और जो सेल जो कॉर्क की थिन स्लाइस में रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्व किए थे, ये एक्चुअल में प्लांट की कौन सी सेल्स थी? ये डेड सेल्स थी। कौन सी सेल्स थी? डेड सेल्स थी। तो डिस्कवरर ऑफ रॉबर्ट सेल रॉबर्ट हुक 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की। एक्चुअल में वो सेल कैसी थी? डेड सेल थी। कौन सी बुक रॉबर्ट हुक की थी जिसमें डिस्कवरी ऑफ सेल को उन्होंने डिस्क्राइब किया है? माइक्रोग्राफिया। कौन सी बुक? अपनी बुक माइक्रोग्राफिया में इन्होंने सेल की डिस्कवरी को डिस्क्राइब किया। अब क्वेश्चन आता है कि फिर लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया? लिविंग सेल को डिस्कवर किया एंटोनी वॉन लियोवेनहॉक ने। किसने? 1674 में एंटोनी वॉन लियोवेनहॉक, एंटोनी वॉन लियोवेनहॉक ने डिस्कवर किया आरबीसी स्पर्म्स प्रोटोजोअन सेल के फॉर्म में। किसको? लिविंग सेल को। तो डिस्कवरर ऑफ लिविंग सेल कौन है? एंटोनी वॉन लियोवेनहॉक। कौन है? एंटोनी वॉन लियोवेनहॉक। तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया, वो सेल
कैसी थी, डेड सेल्स थी। फिर लिविंग सेल को 1674 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, फ्री सेल्स के फॉर्म में बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स एंड स्पर्म्स के फॉर्म में लिविंग सेल्स को सेल्फ मेड इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप से डिस्कवर किया। अब जब हम सेल की स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे तो हम स्टडी करेंगे सेल का जो कंट्रोलिंग सेंटर है वो न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस सेल की सभी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। तो इस न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया? न्यूक्लियस को 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया। सेल को डिस्कवर किया रॉबर्ट हुक ने 1665 में। न्यूक्लियस को डिस्कवर किया 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने। नेक्स्ट 1839 जे परकिंजे नेम्ड द फ्लूड कंटेंट ऑफ द सेल एज प्रोटोप्लाज्म। अब सेल में सेल एनविलोप के अंदर जो भी लिक्विड, जो भी फ्लूड कंटेंट होता है उसे प्रोटोप्लाज्म नेम दिया परकिंजे ने। तो प्रोटोप्लाज्म वर्ड परकिंजे ने, सेल में प्रेजेंट जो लिक्विड और जो फ्लूड कंटेंट है उसके लिए। 1892 हर्टविग प्रपोज्ड दैट सेल इज ए मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म। हर्टविग ने क्या बताया कि सेल जो है वो एक्चुअल में इसी प्रोटोप्लाज्म का मास होता है। तो ये है हमारा फर्स्ट पॉइंट, डिस्कवरी ऑफ सेल। कौन से पॉइंट है मैं फिर रिवाइज कर देता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम सेल थ्योरी को स्टडी करेंगे। सबसे पहले डिस्कवरर ऑफ सेल रॉबर्ट हुक, लेकिन वो सेल डेड थी। लिविंग सेल को डिस्कवर किया एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। न्यूक्लियस को डिस्कवर किया रॉबर्ट ब्राउन। प्रोटोप्लाज्म वर्ड जो है वो प्रेजेंट प्रपोज किया किसने? परकिंजे ने। तो द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में फर्स्ट टॉपिक डिस्कवरी ऑफ सेल। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे सेल थ्योरी।